नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। यूपी चुनाव को लेकर पारा चढ़ता जा रहा है। एबीपी न्यूज हर शनिवार आपको यूपी का मूड दिखाता है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम साप्ताहिक सर्वे लेकर हाजिर हैं आपके सामने। अगले डेढ़ घंटे में हम ये चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि हफ्ते भर में आंकड़ों में आखिर कितना उलटफेर हुआ है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। इलेक्शन डेटा सेंटर से जिया मेरी सहयोगी आपको ताजा आंकड़े बताएंगी जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश और साथ ही सी वोटर के खालिद अख्तर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और यूपी पर पैनी नजर रखने वाले संवाददाता पंकज झा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। साथ ही आपको ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे जहां हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता रणवीर, संजय त्रिपाठी, जैनेन्द्र और अजय। बताएंगे ग्राउंड जीरो पर आखिर क्या हालात है, जनता की बात क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं साप्ताहिक सर्वे के दौरान। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरी सहयोगी जिया इलेक्शन डेटा सेंटर में मौजूद हैं। जिया बताइए, आंकड़ों का खजाना लेकर खड़ी हैं आप, क्या कहते हैं और किस रीजन की बात सबसे पहले आप करेंगी? बिल्कुल श्री, हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन की तो अलग अलग रीजन में जनता का मूड क्या है आज हम वो अपने दर्शकों को बताएंगे। चार रीजन यानी कि बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और अवध रीजन का आखिर जनता का मूड क्या है, ये एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया तो क्या निकलकर सामने आया वो हम जनता को बताएंगे। और मेरे पीछे आप देख सकती हैं इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में खड़ी हुई हूं जिसका उद्घाटन कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस दौरान काफी बदलाव देखने को मिले। आज ही एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री लेकर आए और वो था गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास उन्होंने किया। हालांकि इससे क्या जनता के चुनावी मूड पर असर पड़ा ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुंदेलखंड रीजन की। कितने वोट यहाँ, माफ कीजिएगा, कितनी सीट यहाँ पर है वो है 19। हालांकि जब सर्वे किया तो बीजेपी प्लस को ही फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। 43% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। एसपी प्लस के पास 29% वोट शेयर। बीएसपी जो कि बुंदेलखंड में बीएसपी का गढ़ रहा है और अब बीजेपी का गढ़ है बुंदेलखंड, बीएसपी 15%, कांग्रेस 8% और अन्य के खाते में 5% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। शिरीन आप अपने आंकड़े बताएं, ओवर टू यू। शुक्रिया जी आपका। तो देखिए जिया ने आपको बताया बुंदेलखंड की तस्वीर किस तरीके से यहां पर फिलहाल इस साप्ताहिक सर्वे में दिखाई दे रही है। अब चलिए मैं आपको बताती हूं कि आखिर इस एक हफ्ते में मूड जनता का कितना बदला है, चुनावी मूड, क्योंकि हम आपके सामने साप्ताहिक सर्वे के दौरान ये लेकर आते हैं कि आखिर जनता सोच क्या रही। तो चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं 4 दिसंबर से लेकर आज तक के आंकड़ों में आखिर कितना बदलाव है। बुंदेलखंड रीजन 19 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 41% 4 दिसंबर, लेकिन आज के आंकड़े 43% है, बीजेपी प्लस को 43% यहां पर दिखाई दे रहा है। एसपी प्लस 33% जो कि आज के आंकड़े यानी कि कम होते हुए 29% यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और बीएसपी की बात अगर हम करें तो 12% 4 दिसंबर तक का आंकड़ा था, लेकिन आज की तस्वीर क्या है, 12% से 15% यहां पर फायदा बीएसपी को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति है कि 9% से अब वो 8%, 1% कम हुआ है कांग्रेस का। अन्य यहां पर बराबर दिखाई दे रहे हैं, 5% 4 दिसंबर को भी और आज के आंकड़े भी 5% के ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर बीजेपी प्लस जो कि 43% 41% से इस साप्ताहिक सर्वे में यहां पर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर थोड़ी चिंता जरूर है क्योंकि 33% से आंकड़ा खिसक कर इस हफ्ते 29% पर आ गया है। तो ये बुंदेलखंड की तस्वीर है। और चलिए अब चूंकि इस पर चर्चा करने का वक्त आ गया है तो पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश भी हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो का रुख करना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए मैं रणवीर का रुख करूंगी। रणवीर, बुंदेलखंड में बीजेपी प्लस को फायदा होता इस साप्ताहिक सर्वे में दिखाई दे रहा है, आप तो जनता के बीच है, जरा बात करिए उनसे। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ, उसके बाद फिर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, तो जाहिर है बीजेपी को फायदा होता दिखेगा। बीजेपी के नेता हमारे साथ है, सर आपसे पूछेंगे, पिछले हफ्ते या पीछे देखें तो बीजेपी को कुछ नुकसान हो रहा था लगातार, लेकिन अब फायदा हो रहा है, तो क्या इस बार आप लोग को चुनाव प्रचार में लोगों के बीच जाने में आसानी होगी? हाँ देखिए, विकास का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही विकास में अपना समर्थन रखती है, विकास में कार्य करती है, जनता के लिए, गरीब के लिए। जितना काम भारतीय जनता पार्टी में 70 सालों में हुआ है, गांव-गांव तक बिजली पहुंचना, मतलब बहुत काम किया, बहुत काम। मैं समाजवादी पार्टी से रिएक्शन ले लेता हूं, सर ये कह रहे हैं बहुत काम हुआ है और आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी हुआ है, इससे मैं आप लोग को मुश्किल नहीं होगी लोगों के बीच? देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे भाजपा के जो मित्र हैं उनको एक बधाई देना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का एक नया गठबंधन हुआ है,
जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी नए नए गठबंधन कर रही है। आज उन्होंने आईटी विभाग वालों से गठबंधन किया है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं घर में रेड डालने का काम कर रहा है। इनकी साफ साफ बौखलाहट नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान, मजदूर, महिला, युवा वर्ग ने ये इस बार साफ स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस बार नुकसान हो जाएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, एक योगी मुख्यमंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए। एक सर आपसे पूछूंगा, कांग्रेस से आप हैं सर, ये बताएं आप लोग तो कहीं लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से की चुनौती है अब राहुल जी प्रियंका जी भी यूपी में? लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये किसने आप लोगों ने इसको कैसे सर्वे कह रहा है? सर्वे मैं नहीं कह रहा। नहीं नहीं नहीं, सर्वे तो बहुत कहते हैं और सर्वे जो हैं उनके पीछे की क्या बैकग्राउंड है ये सब आप लोग जानते हैं, जनता जानती है कि हम लड़ाई में नहीं हैं। अभी जो हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और जो उन्होंने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और 40% जो महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की है, आज सीधे सीधे हम पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि जो किसानों का नरसंहार हुआ, जो लखीमपुर में जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, कौन आगे खड़ा था कोरोना के काल में? कौन थी सर? भीम आर्मी से आप लोग, आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में लड़ाई होती सर्वे के मुताबिक दिखाई? जी जी, देखिए पहली बात तो सर्वे को इतना हम ज़्यादा तवज्जो अभी नहीं दे रहे हैं इस समय में। और अगर धरातल पर आप देखें, जैसे भाई ने हमारे कहा बीजेपी से कि विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, आप खड़े हैं सीतापुर में और आप सीतापुर को ही देख लीजिए, विकास इतनी तेज़ी से हुआ है कि जो यहाँ का सदर का मौजूदा विधायक था वो जब कुछ उसमें उसको इतनी इजाज़त नहीं मिली कि कुछ कर सके तो व्यक्ति खुद ही छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, तो आप समझ सकते हैं ना कितना विकास। नेताओं की बात हो गई, जरा जनता से पूछते, जनता आप हाथ उठा रहे हैं, आप बताइए ये विपक्ष सही कह रहा है कि सत्ता पक्ष सही? सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 2014 से पहले यहाँ पे लाल डिब्बे की ट्रेन चलती थी, आज यहाँ पे नीले डिब्बे की ट्रेन चल रही है। 2017 में यहाँ पे बड़ी लाइन का शिलान्यास बीजेपी ने किया और अपने टाइम में उसको बनाकर कंप्लीट किया। आप कह रहे भाजपा ने काम किया? सर, और सर बिजवार का ब्रिज काफी दिन से पेंडिंग था। अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने एक चीज कही है कि प्रियंका जी की सरकार आ रही है और उन्हें नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कर्नाटक विधानसभा में इनके कांग्रेस के विधायक ने क्या कहा? क्या क्या कहा इनसे पूछ सकते हैं? क्या कहा बताइए भाई, कांग्रेस वाले आप लोग बताइए। जो कहा गया वो बहुत घृणित है, हम लोग निंदा करते हैं उसकी, हम लोग निंदा करते हैं उसकी। कर्नाटक इंडिविजुअल राय हो सकती है उनकी, हमारी पार्टी लाइन नहीं है, हमारी पार्टी लाइन। मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी, ये है इनका, जब कहे तो वो व्यक्तिगत है और दूसरा कोई किसी पार्टी का भी कहे तो वो पार्टीगत है। एक ही कांग्रेस और सपा एक ही थाली के चट्टी बट्टी हैं। इन्होंने अभी 21 साल वाला लड़कियों के साथ इतना सम्मानजनक फैसला आने वाला है, उसमें समाजवादी पार्टी के सफीकुर रहमान बर्क ने भाई सपा वालों जवाब दीजिए। देखिए हम लोग भाजपा के लोगों से ये कहना चाहते हैं, विकास पे बात करिए। विकास आप लोगों ने नहीं कराया सीतापुर के अंदर, जो विकास आज जो है बहराइच का जो पुल है, महिलाओं वाली बात कर रहे हैं, महिलाओं में उत्पीड़न, महिलाओं में जो लखीमपुर में वो वोट डालने जा रही थी उसका पल्लू तक की नोचने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। आम आदमी पार्टी भी आ गई, आपका झाड़ू लगेगा क्या बात? जी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह जरूर लगेगा झाड़ू, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो विकास किया है दिल्ली मॉडल पे ही तर्ज पे, यहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। और जो हम लोग की घोषणाएं हैं कि हर साल 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आपकी बात समझ गए। अब सर मैं आप लोगों से पूछूंगा, देखिए बड़ा गंभीर। हाँ आप बताइए, आपने शुरू किया था कि विश्वनाथ कॉरिडोर और विकास दो चीजें, तो विश्वनाथ कॉरिडोर का मतलब तो हिंदू अभी खतरे में आता है 14 के बाद से, हम लोग हिंदू मुसलमान, हमारी पार्टी की सरकार थी राम रतन सिंह जी ठाकुर थे, राजेंद्र कुमारी कौन लाया था और लक्षित हिंसा विधेयक कौन लाया था, राम को कपोल कल्पित कौन बोला था, बहुसंख्यक समाज हिंदू दबाने का काम हिंदू हिंदू केवल खतरे में तभी आता है। देखिए तेज बोलने से आवाज आप नहीं दबेंगे, आज आवाज को दबाना ही बताइए इनकी आज की सरकार कैसे चल रही है, आज बोल अरे की हम बात करेंगे जब वहाँ टेनी मिश्रा की, तब ये हिंदू और मुसलमान पर आ जाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि भाजपा जो है पूरी तरह से जातिवादी राजनीति कर रही है। सेंटर 108 को डीजल नहीं दे पा रहे, बता रहे विकास कर रहे हैं सीतापुर का खाली नाम। आप लोग कह रहे राम को कपोल कल्पित बता रहे हैं, समाजवादी की सरकार थी तब इन्होंने नारा दिया था काम बोलता है, दिया था नहीं दिया था पूरा देश विदेश जानता है। शाहजहांपुर का पुल गिर गया,
कमल ये शाहजहांपुर का पुल गिर गया, बहराइच वाला गिरने वाला है, बहराइच वाला गिरने वाला है, कमल का फूल सब लोग जो भूल पे बता सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही भाजपा। ये गुंडाई करने लगे, उजड़ती करने लगे, किसके लिए नारा लगा रहे, किसके लिए नारा लगा रहे? मैं योगी जी के लिए नारा लगा रहा हूँ, योगी जी के पक्ष में नारा लगा रहे। आए आए गजब नतीजे, आए एक आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना। सीतापुर का ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से बंद है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी ऑक्सीजन का उद्घाटन हुआ था। देखिए तमाम मुद्दे हैं और इस बीच में यहाँ पे लोग जो हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर है, लेकिन दावा यह है कि काम हुआ है, विपक्ष कह रहा है काम नहीं हुआ है। खैर सही तो इलेक्शन में होगा, आपका प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जनता जनार्दन है, सब कुछ समझती है, सबके वादे भी सबके दावे भी, कौन सही बोल रहा है कौन झूठ। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पंकज झा भी हैं और साथ ही मेरे साथ अभिज्ञान प्रकाश भी हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट, और साथ ही सी वोटर के फाउंडर हमारे साथ खालिद अख्तर भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप तो पूरी नब्ज जानते हैं उत्तर प्रदेश की, कि आखिर उत्तर प्रदेश में हवा किस तरफ बह रही है। इस साप्ताहिक सर्वे में 41% से 43%, 4 दिसंबर के बाद आज ये सर्वे कहता है कि 43% वोट जो है वो बीजेपी प्लस को जाता दिख रहा है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? जी हाँ, इसकी कुछ वजहें हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रहा है, जहां हम गए थे कुछ दिनों पहले, जिसका जिक्र अभी रणवीर भी कर रहे थे ना, कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, देखिए जो यूपी के लोग हैं ना, भगवान शिव और भगवान महावीर, इससे जो हिंदू समाज है बड़ा कनेक्ट हुआ रहता है, और वहाँ पे जो एक भव्य काम हुआ है, और उसके बाद जो लेकर के अखिलेश यादव का एक बयान आया था, जिसके बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन एक बार जब तीर निकल जाता है तर्क से और उसको व्हाट्सएप पे इतना फैलाया गया है, मुझे लगता है उसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से बीजेपी का ग्राफ इस सर्वे को अगर देखें तो बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह मुझे वही दिख रही है फिलहाल। ठीक है, तो फायदा और नुकसान इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक सर्वे के दौरान। एक बार फिर से वक्त आ गया है जिया, मैं आपके पास आऊं और अब बताइए अगले रीजन, क्योंकि अगला रीजन है अवध, तो अवध के आंकड़े क्या कह रहे हैं इस बार? बिल्कुल श्रीन, अवध की अगर हम बात करें तो अवध यानी कि सेंट्रल यूपी, सेंट्रल यूपी में लखनऊ भी आता है, अयोध्या भी आता है, लखीमपुर भी आता है, जिस पर सबसे ज्यादा सियासत इन दिनों होती हुई भी नजर आई। ऐसे में विपक्ष लगातार घेर भी रहा है। अब अगर हम अवध रीजन की बात करें, कुल सीटें यहां पर 118 है। पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो 97 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। इस बार का जो साप्ताहिक सर्वे है कहता है कि बीजेपी प्लस को 42% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं, एसपी प्लस को 33%। सीधा तो देख सकते हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहां पर भी कड़ी टक्कर है। बीएसपी 11%, कांग्रेस 8% और अन्य के खाते में 6% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। श्री, ठीक है जी, आप सही कह रही हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन देखिए कितना बदला है इस साप्ताहिक सर्वे के दौरान, चुनावी मूड क्या कहता है, अब उसका वक्त आ गया है। बता देते हैं कि आखिर 4 दिसंबर से लेकर आज तक के आंकड़ों के बीच में यह फर्क कहता क्या है, जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को बड़ी तस्वीर क्या है। देखिए बीजेपी प्लस को 4 दिसंबर को 43% यहां पर वोट दिखाई दे रहा था, लेकिन आज यहां पर 1% का नुकसान बीजेपी प्लस को, यानी 43 से 42% हो गया है। एसपी प्लस की भी अगर हम बात करें तो 31% था 4 दिसंबर, लेकिन आज का आंकड़ा यहां पर 33%, इस एसपी प्लस को फायदा दिख रहा है इस साप्ताहिक सर्वे में। बीएसपी को 10% था 4 दिसंबर, ये 11% हो गया, 1% के यहां पर दिखाई दे रहा है इजाफा। कांग्रेस के लिए 8% और यहां पर 8%, यानी कांग्रेस के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं, और अन्य के आंकड़े 8% से 6%। सबसे ज्यादा नजर इस पर होगी कि 43% से ये 1% कम हुआ है, 42% 4 दिसंबर से, ये आज का आंकड़ा है। और चलिए अब ग्राउंड जीरो पर चलने का वक्त हो गया, क्योंकि बात हम अवध की कर रहे हैं तो अवध ही आपको लेकर चलते हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी बने हुए हैं संजय त्रिपाठी, उनके साथ जनता जनार्दन भी है, कुछ नेता भी, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इन आंकड़ों पर वहां की जनता क्या कहती है? संजय जरा बात कीजिए, टटोलिए मन में क्या है। बिल्कुल श्रीन, मैं बात करूंगा सबसे पहले समाजवादी पार्टी से बात करूंगा, क्योंकि इनका ग्राफ बढ़ रहा है, जैसा कि हमारे सर्वे में सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी गेन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा लूज कर रही है। कुछ तो बहुत होंगे आप? नहीं नहीं, थोड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरा ही लूज कर रही है। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, अब उनके पास सिर्फ जुमले बचे हैं जो फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता ने भी लेना बंद कर दिया, जनता समझ गई है कि वो 100% झूठ बोलते हैं। अब जनता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जनता जान चुकी है कि यहाँ पे 5 साल में उत्तर प्रदेश को
भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दर्द दिया है, और दर्द इतना दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता कहरा रही है, क्योंकि असली मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये मुद्दों का ध्यान भटकाने की बात करते हैं। आप जहाँ भी चले जाइए, आज जिस तरह की रैली आप देख रहे हो समाजवादी पार्टी में, जो भीड़ आ रही है, इनके यहाँ क्या आ रहा है, ये हेलीकॉप्टर लेकर उतरते हैं, हेलीकॉप्टर का पंखा घुमाते रहते हैं, तब भी भीड़ नहीं आती है। फिर पूछते हैं फोन करके, लोग इकट्ठे हुए क्या, बोले नहीं हुए, बोले जुगाड़ लगाओ, आईटीओ को लगाओ, डीएम को लगाओ, कमीशन लगाओ, भीड़ बढ़ाओ। अब ये भीड़ बस लगा लगा के बढ़ा रहे हैं, सोचो आप, धमका धमका के बढ़ा रहे हैं। और आलम यह है कि अब इतना डर गए हैं, अब तो वो सरकारी एजेंसियों का भी इस्तेमाल करने लग गए, उनको लगा कि अब इससे काम नहीं चलेगा, धर्म से भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि धर्म हमारा आस्था का विषय है, भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। दर्द अपना बयां कर रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विनीत शुक्ला हमारे साथ में है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अपना ही दर्द बयां कर रहे हैं, जिन्होंने इन्होंने दर्द दिया है उत्तर प्रदेश को, इतना दर्द दिया है 2017 से पहले कि उत्तर प्रदेश की जनता अब मन बना चुकी है, न उत्तर प्रदेश के अंदर न सपा न बसपा न हाथ, यूपी में सिर्फ आदित्यनाथ, इसके सिवा कुछ नहीं। बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को चुना था, जनता ने जो विश्वास जताया था, उस विश्वास पे अगर कोई खरा उतरा है तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये बार बार कहते हैं, बबुआ जो जिस 5 स्टार बस के अंदर चल रहा है, आप देखिए वहाँ से जब निकलते हैं लोग तो कहते हैं कि भैया पैसा दे करके, 500 रुपया दे करके बुलाया है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये ग्राफ आपके पास ही कैसे बढ़ रहा है, जनता के बीच ग्राफ नहीं बढ़ रहा, जनता के बीच ग्राफ बढ़ रहा है कि दहशत फैल रही है, कि कहीं ऐसा ना हो कि 2017 से पहले वाला उन दंगाइयों का मंजर आ जाए। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया लेता हूं मैं एक बार, क्या कहेंगे आज, बड़े बड़े नेता आपके आए थे लेकिन माहौल नहीं बना पा रहे। देखिए, अमेठी में जिस तरह से देखा श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो पदयात्रा की, महंगाई के खिलाफ ये पदयात्रा हुई है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश व देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू गए हैं, टमाटर और पेट्रोल आपस में रेस लगा रहा है कि 100 के पार कौन जाए, और जिस तरह से सरसों का तेल 200 के पार हो गया, मुझे तो एक कहावत याद आती है कि भाजपा का एक नारा भी बड़ा इस समय चल रहा है कि भाजपा 300 पार। मैं तो पूछना चाहता हूं कि 300 पार पेट्रोल डीजल करना चाहते हैं क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, 2017 में आपने देख लिया, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान पे तो आ गए, लेकिन 4.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में डिलीवर क्या किया, या उत्तर प्रदेश की जनता से पूछते हैं डिलीवर क्या किया। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार सर, मेरा टायर का काम है। 2017 में जो गुंडाई थी सपा सरकार में, वो चीज़ देखिए आज योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कम कर दिया है। कभी ये गुंडाई राज जीता था, माफिया राज, वो खत्म हो गया है। 2022 में कौन? बाबा जी के 2022 में कौन? बाबा जी, योगी जी बाबा जी पहले देखो उनके साथ में। देखिए, जवाब अगर अब इधर पूछेंगे तो बोलेंगे अखिलेश जी। देखिए सवाल, अब मैं बोलूं देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के, एक मिनट मैं बोलूं फिर आप बोल लीजिएगा। सवाल हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सवाल पार्टी की पक्ष रख रखी है। क्या नाम है आप? एक्चुअली मैं अभिषेक राज फ्रॉम रांची झारखंड, और वहाँ पे भी फिलहाल अभी हेमंत भैया की सरकार है, लेकिन मैं यहाँ लगभग 10 वर्षों से कंटिन्यू लखनऊ आता जाता रहा हूँ। यूपी से हमारा अलग टाइप का एक संबंध है, लेकिन मैं इन पिछले 5 सालों में बहुत हद तक परिवर्तन देख रहा हूँ। समाज और सामाजिक जो सुरक्षा है, बहन बेटियाँ यहाँ पे जो पहले से और आज का जो माहौल है उसमें जबरदस्त परिवर्तन हुआ है, और हमें यहाँ फिर से, मैं यहाँ के एक अस्थायी नागरिक कह रहे हैं कि पब्लिक करा रही है, लोग परेशान हैं, कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है। नहीं देखिए, इतना बड़ा शासन है, इतना बड़ा राज्य है, संभव है कि बलात्कार की घटना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बोलेंगे। अच्छा मैं बोलूँ अपनी बात, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर इनका सब कुछ होता, इनके अगर अच्छा राजकाट चल रहा होता तो 10-10 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी लिए हेलीकॉप्टर, लिए जहाज लिए दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप हार चुके हो, हारने का मतलब होता है, देखिए सरकार आपकी है, यहाँ तो पूरा परिवार, यहाँ देखिए सवाल हमें बात कर लो, मैं बात कर लो, फिर आप बोलना ना, आप बोलना मैं नहीं बोलूंगा, अरे आप बोलना मैं नहीं बोलूंगा, फिर आप बोलोगे मैं बोलूंगा, फायदा क्या होगा? आपने सुना, समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं, आम जनता भी है, मिली जुली राय है, सबका अलग अलग मानना है, सोचना है। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहतर है, समाजवादी पार्टी के अपने तर्क है। ठीक है, ठीक है, आप रहिए संजय, फिर से आपके पास आना होगा, मेरा बात कीजिएगा आप फिर से। लेकिन अभिज्ञान जी, अब आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि बुंदेलखंड में तो हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी प्लस को नुकसान, लेकिन अवध के आंकड़े बता रहे हैं कि एसपी प्लस को इस साप्ताहिक सर्वे में फायदा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है एसपी प्लस के लिए?
देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक लाइन बुंदेलखंड पे, क्योंकि बुंदेलखंड में तो सारी 19 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो कोई भी डेंट अगर अखिलेश यादव करने में कामयाब होते हैं बुंदेलखंड में वो सिग्निफिकेंट होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए भी क्योंकि पारंपरिक तौर पर वो मायावती का गढ़ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, सेंट्रल हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 14, 17, 19 को अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ रही है। लखनऊ तो खासतौर पर उसकी ज़्यादातर एमएलए सीट्स पे सालों साल से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, तो अगर इसमें समाजवादी पार्टी कोई इनरोज बना पा रही है या उसका वोट प्रतिशत का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस जो लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव को इन रीजन्स में नहीं मिल पाएगी वो पिछले 1.5 से 2 महीने में मिलना चालू हो गई है, तो ये बीजेपी के ये सब बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट से। देखिए लखनऊ का जब जिक्र होता है तो याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी के युग से वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और आज राजनाथ सिंह के युग तक, मतलब जीत का सिलसिला है बीजेपी का लखनऊ में, ये जगहों में उसी को भेदने की कोशिश समाजवादी पार्टी यहां पर कर रही है। हालांकि देखिए कामयाब कितने हो पाते हैं क्योंकि बड़े दिलचस्प से ये आंकड़े हैं, लगातार हम इन पर बात भी कर रहे हैं, सभी खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी जो बता रहे हैं कि आखिर वहां जनता के बीच क्या चल रहा है। एक बार फिर से आपका स्वागत है साप्ताहिक सर्वे जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते भर में यूपी में आखिर क्या बदला, यानी जनता का मन एक हफ्ते में किसकी तरफ और किससे पीछे हटा। यही आंकड़ों पर हम लगातार आपको गौर करा रहे हैं कि आखिर इन साप्ताहिक सर्वे में आंकड़े कहते क्या हैं। ग्राउंड जीरो पर भी हम लगातार जा रहे हैं और साथ ही जनता के बीच पहुंचकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसकी पसंद बदली है इस एक हफ्ते के दौरान। चलिए एक बार फिर से मैं जिया के पास जाऊंगी क्योंकि अब वक्त हो गया है दूसरे सबसे बड़े रीजन पर नजर डालने का कि आखिर क्या कुछ बदला, क्योंकि सवाल यहां पर इन सीटों का है, पूर्वांचल रीजन में क्या कुछ तस्वीर बदली है, आंकड़े क्या कहते हैं जिया। बिल्कुल श्रीन, अगर आंकड़ों की बात करें तो सही कहा आपने कि दूसरा सबसे बड़ा रीजन जरूर है, बेहद अहम इलाका पूर्वांचल रीजन माना जाता है लेकिन पिछड़ा भी माना जाता है। हालांकि इसमें पिछली बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जो पिछड़ी जातियों की पार्टी है उनके साथ विलय किया, गठबंधन किया और उसके बाद अपनी सरकार बीजेपी ने बनाई। हालांकि पिछली बार यहां से कड़ी टक्कर बीजेपी को देखने को मिली। पूर्वांचल रीजन ये वही रीजन है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं, आंकड़े बता रही हूं। पूर्वांचल रीजन में कुल सीटें हैं 130, बीजेपी प्लस को 40% वोट जाते हुए नजर आ रही हैं, एसपी प्लस को 36%, बीएसपी को 12%, कांग्रेस को 7% और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। श्री शुक्रिया जी, आपका बिल्कुल ठीक कहा आपने, 130 सीटों का सवाल है। तो देखिए 130 सीटों को लेकर ये आंकड़े अब क्या कहते हैं, कितना कुछ बदला है साप्ताहिक सर्वे के दौरान, जल्दी से आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। बदलाव आखिर क्या कहते हैं, 4 दिसंबर से लेकर आज तक के आंकड़े, 130 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 40%, लेकिन यहां पर कोई बदलाव नहीं, 40% आंकड़े दिखाई दे रहे हैं आज भी, एसपी प्लस को 36% वोट और इस बार भी यानी कि आज भी 36% वोट यहां पर एसपी प्लस को, बीएसपी के लिए 12% और आज भी कह रहे हैं कि 12%, कांग्रेस 7% और आज के आंकड़े भी 7% वोट यहां पर कांग्रेस के लिए, अन्य की स्थिति भी सेम है 5 और 5। यानी कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो गई कि किसी तरह का कोई बदलाव पूर्वांचल रीजन में दिखाई नहीं दे रहा है। और इसे जानने के लिए कि आखिर इस बार कोई बदलाव क्यों नहीं पूर्वांचल में, सीधे हम रुक कर लेते हैं अमेठी का। जैनेन्द्र हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, बिल्कुल बदलाव नहीं है, सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। अमेठी में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पदयात्रा की लेकिन अभी भी कांग्रेस इस इलाके में 7% पर ही है जैसा आंकड़े बताते हैं। मेरे साथ अमेठी के जगदीशपुर के आम लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के भी युवा नेता हैं, इन लोगों से जानते हैं। हर हफ्ते का सर्वे एबीपी न्यूज कर रहा है, आप कांग्रेस पार्टी के हैं, आप तो तीसरे नंबर पर है, मैं आपसे क्या पूछूं, लेकिन ये बताइए कि 7% पे आप पहले भी थे, 7% पे अभी भी हैं, आज जो पदयात्रा हुई है लगता है कि डबल डिजिट में जा पाएगा आंकड़ा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सर्वे कौन करता है और एजेंसी कौन सी है और किन लोगों से सर्वे कर रहे हैं। सर्वे आम लोगों से किए जाते हैं,
सर्वे मानक एजेंसी करती है और उसको एक एक प्रतिष्ठित चैनल दिखा रहा है और वही जो जनता की आवाज है वही रिफ्लेक्ट होता है सर्वे में। आपको लगता है कि आप 40% पे हैं, जहां बीजेपी है वहां आप खुद आपका दिल गवारा करता है कि कांग्रेस 40% पे और हम उसको 7% बता रहे हैं? देखिए, हम तो इस प्रदेश के, इस देश के किसानों के दिल में है, महिलाओं के दिल में है, नौजवानों के दिल में है। जो नौजवान बेरोजगारी का दम झेल रहा है, जो किसानों पे अत्याचार इस सरकार ने किए हैं और काले कानून थोप रहे थे, 700 किसान शहीद हो गए, उन किसानों के दिलों में हम हैं। हम पूर्वांचल का जो इलाका है, हमारा सर्वे बताता है कि बीजेपी 40% पर एक हफ्ते पहले भी थी और अभी भी 40% पर है। आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, फिर ये जनता को क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? ये सर्वे देखिएगा पूरी तरीके से 2022 के चुनाव में गलत साबित होंगे, क्योंकि साबित होंगे। चलिए, तो ये विपक्ष के तौर पर आप यही कहेंगे, आप बीजेपी से हैं जी, ये बताइए 40% पे अभी भी है? 40 में नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। अच्छा जी, इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? कॉन्फिडेंस का देखिए, हमें हमारी सरकार जो है 7 सालों में किसी चीज़ में कमी नहीं कर रही है। जहाँ तक आज की डेट में कोई भी गरीब ऐसा नहीं जिस परिवार को राशन ना मिलता हो, हर परिवार को पूरी पूरी सुविधा दी जा रही। कोरोना की वजह से देश की थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में कमी आई, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, मगर देश को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे आप मत बताइए, हम पूर्वांचल में ये बताइए इस इलाके के लिए क्या खास किया जिसकी वजह से 40% वोट मिल रहा है और नंबर। अरे यहाँ 15 साल हो गया, 15 साल हमारे यहाँ से सांसद राहुल गांधी थे, ठीक है ना, उसके बावजूद हमारे यहाँ बहुत चीजों की कमी थी। ये लोकसभा का चुनाव थोड़ी ना है, आप ये बताइए 5 सालों में योगी जी ने क्या किया इस इलाके के? योगी जी ने क्यों नहीं, कुछ नहीं किया, क्या है बताइए? सब जनता बेरोजगार है, हम लोग बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है भाई। योगी जी ने हमारे यहाँ देखिए अभी ट्रामा सेंटर दिया है, ITI स्कूल दिए हैं, और क्या चाहिए बताइए? किनारे कुछ आम लोग भी हैं, बताइए जी, पूर्वांचल में बीजेपी बड़ी मजबूत है, 40% पे अभी भी है। मजबूत कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कह रहे बताइए आंकड़े, आंकड़े कोरोना में जो ऑक्सीजन से मरे लोग हैं, आपके आंकड़े तब नहीं है? हाथरस में पीड़िता के साथ 2:30 बजे उनके शव जला दिए जाते हैं, उनके साथ दीदी प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए जाते हैं, तब आंकड़े नहीं है? आपके मीडिया वाले के भाइयों के साथ धक्का मुक्की होते हैं, तब आंकड़े कहाँ हैं? क्यों नहीं, क्यों ये बताइए? इतने सारे मुद्दे ये गिना रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? आप नौजवान हैं, किसी पार्टी से नहीं है, क्या मुद्दे हैं? 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिला भैया? जितने भी बच्चों के हैं, कम से कम बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए सबसे पहले, है कि नहीं? कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि बच्चों को जो है आने जाने की सुविधा नहीं है, ठीक है, आने जाने के लिए बच्चों को दूर से आना पड़ता, जो बाहर के बच्चे पढ़ने वाले हैं जैसे उनको आने के लिए तकलीफ होती है, बदतमीजी करते हैं लोग, ठीक है, तो उनको आने के लिए बस की सुविधा होनी चाहिए, सरकार को मुहैया कराना चाहिए। आप बताइए क्या मुद्दे हैं पूर्वांचल के? ये जो महंगाई का मुद्दा उठा करके सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है, मैं भी ग्रेजुएशन किया हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है, उसमें ये बताया गया है कि जो है किसी भी देश को विकासशील से विकसित होने के लिए सबसे पहले महंगाई जैसे बुरे दौर से गुजरना होता है। उसके नया नई थ्योरी लाए, ठीक है, तो देखिए अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये बात सही है कि कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार घिरती तो नजर आती है, लेकिन अभी भी आंकड़े यही बताते हैं कि सत्ताधारी दल जो है वो लीड बनाए हुए है। ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक है जनेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। और अब वक्त आ गया है अगले महत्वपूर्ण और सबसे बड़े रीजन का जिक्र करने का कि आखिर वहां पर कितना बदलाव हुआ है, वहां के आंकड़े क्या कहते हैं। मैं बात कर रही हूं पश्चिमी यूपी की। पश्चिमी यूपी आखिर पश्चिम रीजन जो है उसके लिए एक बार फिर से चलना होगा जिया के पास। जिया बताइए इस बार आंकड़े क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शरीन, वैसे तो सबसे बड़ा ये रीजन है और साथ ही ये भी बता दें कि सबसे समृद्ध रीजन भी ये माना जाता है। किसान आंदोलन के समय भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा। और अगर हम यहाँ पर सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 136 सीटें आती हैं और पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा आने की 109 सीटें गई थी। इस बार का जो आंकड़ा है वो हम बता देते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुल सीटें 136, बीजेपी प्लस को 39% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है, एसपी प्लस को 33%, बीएसपी को
16%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 5%। श्री ठीक है जी, तो देखिए 39% बीजेपी प्लस को यह फिलहाल साप्ताहिक सर्वे के दौरान सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन क्योंकि अब वक्त यह हो गया है कि कितना बदला इस एक हफ्ते में साप्ताहिक सर्वे में, यह तस्वीर कितनी बदली है पश्चिमी यूपी की, पश्चिमी यूपी रीजन 136 सबसे ज्यादा सीटें निगाह सारे दलों की होती है। तो देखिए 4 दिसंबर से आज तक की तस्वीर यह है, बीजेपी प्लस को 4 दिसंबर को 39%, लेकिन आज भी 39%। इसके अलावा एसपी प्लस को 33%, आज के आंकड़े भी कह रहे हैं 33% है। बीएसपी 16% बीएसपी, कांग्रेस और अन्य, यानी कि देखिए यहां पर भी कोई बदलाव नहीं है। पूर्वांचल की तरह पश्चिमी यूपी के आंकड़े भी यही कह रहे हैं 136 सीटों में किसी तरह का कोई बदलाव दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है साप्ताहिक सर्वे के दौरान। और इसकी वजह क्या है ये जानने के लिए आप सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अजय दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर है, नेताओं के साथ भी है, जनता के साथ भी है, ये जानने की कोशिश कीजिए अजय क्या वजह सामने आ रही है, आखिर कोई बदलाव नहीं साप्ताहिक सर्वे में। अजय आपको आवाज मिल रही है मेरी? निश्चित ही आवाज मुझे आ रही है, कि एक बार अपना सवाल आप फिर से दोहराएं। अजय साप्ताहिक सर्वे में पश्चिमी यूपी रीजन के आंकड़े ये कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं है यहाँ पर, जिसे जो दिखाई दे रहा था पिछले हफ्ते इससे पहले 4 दिसंबर को वही आंकड़ा आज भी है, क्या वजह समझ आ रही है इसकी? देखिए जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं इन आंकड़ों का असर जमीन पर क्या है, सर्वे में जो बात निकल के आई है, रायबरेली के लोग उनसे ही बात करते हैं, उनकी ही राय जानते हैं। साहब जो सर्वे है एबीपी न्यूज का, पिछले हफ्ते जो नंबर्स थे इस हफ्ते भी वही नंबर देखने को मिल रहे हैं, कुछ बदलता दिख नहीं रहेगा रायबरेली की राजनीति में, पश्चिम की राजनीति में? जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है, बदलाव बहुत तेजी से होगा। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मामला, अभी हमने हाथरस देखा, सोनभद्र देखा, उन्नाव देखा, क्या आलम था, सबने देखा, आपने देखा, हमने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, 40% का आरक्षण माननीय प्रियंका गांधी जी दे रही हैं, और कल रायबरेली आके वो नारी शक्ति का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद देखिएगा, क्योंकि एक हफ्ता इसी एक मिनट साहब इसी एक हफ्ते में ये पूरा हुआ, ये जो घोषणा हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं भी वहां मौजूद था, पर कांकड़ों में क्यों नहीं असर आ रहा है, जमीन पे क्यों नहीं निकल के आ रहा है? अब तो अमेठी पहुंची भी है, वो बगल में रायबरेली है, कुछ लहर दिख रही है, नेता लोग आप लोग हैं, बातचीत हो रही है, कुछ दिख रहा है? पूरा लहर है, रायबरेली की पांचों विधानसभा हम जीत रहे हैं, प्रियंका गांधी पूरी तरीके से लहर में है, जिस दौर में है बीजेपी के नेताजी, आप बताइए जो जोश दिख रहा है, जो बात दिख रही है जमीन पे भी है, कैसा लग रहा है? ये जोश जो इनके अंदर दिख रहा है, ये होश खोने के बाद और सत्ता खोने के बाद, और रायबरेली में 6 की 6 विधानसभा में और आगामी लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को मिलने वाली नहीं है, और बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 52 बसंत देखने के बाद हम बहन प्रियंका गांधी को अब बेटियों की लड़ाई याद आ रही है, जब सत्ता हाथ से चली गई है। नेताजी लोग की बात हुई, अब जरा इसे आम आदमी पर लेकर चलते हैं। अंकल जी कलर आपकी जैकेट का सफेद है, यहाँ राजनीति का रंग क्या चढ़ा हुआ है रायबरेली में, भगवा लाल कांग्रेस कौन रंग चढ़ा हुआ है? यहाँ पर कांग्रेस के अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं, किसी दूसरी पार्टी को वोट मांगने का हक ही नहीं, यहाँ हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे, यहाँ कांग्रेस के हर घर घर में कांग्रेस। अंकल जी आप देखिए जैसे बात कर रहे हैं, आप तो बहुत पुराने हैं, पिछले चुनाव में ऐसा क्या हो गया था, मिलके भी लड़ी सपा के संग, अगर इतना पकड़ था कांग्रेस का यहाँ पे, पिछले में क्या हुआ था, कि कैसी स्थिति बनी थी? अब कुछ नहीं, अब सब बदल गया है। क्या अगर दूसरे व्यक्ति को यहाँ वोट मांगने का हक नहीं, यहाँ गांधी फैमिली है डन मच डेवलप, किसी दूसरे ने, अब के हम 6 सीट जीतेंगे, और भार और नेक्स्ट में सिर्फ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम 300 सीटें जीतेंगे। ये देखिए 6 सीट 300 सीट, अरे बीजेपी के नेता जी बताइए भाई, पूरा जोश दिख रहा है कांग्रेस में? कुछ लोग सपनों में जीते हैं इस देश में, लाल हसीन सपने इस देश के अंदर, अगर किसी ने ये लोगों की राय, नेताओं की राय समय सीमित है, लेकिन जो जोश है, क्योंकि जो गांधी परिवार के लोग है पहुंचे भी अब इस इलाके में, तो जमीन पर जोश भी देखने को मिला है, लेकिन जो सर्वे है उसमें खास असर होता अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कॉन्फिडेंस अपनी अपनी सबकी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कितना वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा ये तो फिलहाल देखना होगा। अब हमारे साथ सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास अब जाना चाहूंगी। खालिद, पूर्वांचल रीजन और पश्चिमी यूपी रीजन कोई बदलाव नहीं 4 दिसंबर से लेकर आज तक के आंकड़े, मतलब यहां पर कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, वजह इसकी क्या समझ आई आपको? देखिए शिरीन जी, अगर हम देखें हमारा जो सर्वे है लगातार हम जैसे कर रहे हैं,
तो अब आकर के सिचुएशन ओवरऑल यूपी में और पश्चिमी यूपी में और पूर्वांचल में आकर के जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही थी अब वो आकर लगभग स्टैटिक हो गई है। तो लगातार पिछले हफ्ते भी और उससे पिछले हफ्ते भी जो लगातार डिफरेंस है दोनों पार्टियों के बीच में वो पूर्वांचल में लगभग 4% का ही है और वेस्टर्न यूपी में लगभग 6% के आसपास ही है। अब सिचुएशन ये है कि जो अखिलेश जी ने जो गेन करना था पूर्वांचल में जो छोटी छोटी पार्टियों से जो अलायंस किया जैसे उन्होंने सुहेल देव भारत समाज पार्टी से अलायंस किया उसके सारे कई सारी जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो जुड़ी हुई हैं, कश्यप है, प्रजापति है, उनकी अपनी राजभर कम्युनिटी है और जैसे उन्होंने उनसे किया सोशलिस्ट जनहित पार्टी से संजय चौहान जी से जिनमें नोनिया चौहान है। तो अब जो सिचुएशन इवॉल्व होनी थी जो जिन वोटर्स को जिस तरफ जाना था वो लगभग वो सिचुएशन इवॉल्व हो चुकी है। सिमिलरली वेस्टर्न यूपी में जो प्रोटेस्ट हो रहा था पहले जो वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस थी लेकिन इस फार्मर्स प्रोटेस्ट और जाट मूवमेंट के बाद से सिचुएशन चेंज हुई और सिचुएशन चेंज होने के बाद जो सिचुएशन जुलाई अगस्त सितंबर में थी वो अब आकर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इस प्रोटेस्ट के बाद से वो अब स्टैटिक हो गई है कि लड़ाई दोनों की नज़दीकी है वेस्टर्न यूपी में भी लेकिन वोट डिफरेंस जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि वोट शेयर में वो भाजपा का और समाजवादी के और समाजवादी आरएलडी के अलायंस के बीच में 6% का ही बना हुआ है। तो जिन वोटर्स ने जिधर जाने का अपना मन बना रखा है सिचुएशन आके स्टैटिक हो गई है एक ही जगह पर नजर आ रही है। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनसे भी इसका रीजन जान लेते हैं कि पूर्वांचल जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ बीजेपी चाह रही थी कि कोई बड़ा फायदा होता हुआ नजर आए लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। पंकज देखिए मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात है बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी भी और पूर्वांचल भी। आप देखिए ना कि 4 दिसंबर के बाद से लेकर अब तक कितना बड़ा मेगा शो हुआ वहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के। प्रधानमंत्री वहाँ 2 दिनों तक रहे, सारे बीजेपी के जितने सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के अध्यक्ष अयोध्या गए, पूरा हिंदुत्व का बवंडर उठाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो समाजवादी पार्टी का फुटहोल्ड जो है वो वहाँ का वहाँ बना हुआ है और पिछले बार यानी 2017 के से कंपेयर करें 22% का वोट शेयर था और अभी जो कह रहे थे सी वोटर्स की तरफ से तो अभी समाजवादी पार्टी का गेम खत्म नहीं हुआ, वो 35 के आसपास और 4% का जो फर्क है बीजेपी और इनके बीच में। अभी तो पार्टियों का गठबंधन हुआ है लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का वोटरों का मिलन भी धीरे धीरे ग्राउंड पर होने में वक्त लगता है। ये बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी है और वैसे ही खतरे की घंटी पश्चिमी यूपी में भी बज रही है क्योंकि 3 कृषि कानून जो थे वो वापस लेने का फैसला हुआ, बहुत सारी चीजें और भी भेजी गई लेकिन ग्राउंड पर उतना बदलाव बीजेपी के हक में फिलहाल नहीं दिख रहा है। ठीक है पंकज जी, अभिज्ञान के आपको भी यही लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है किसी तरह का कोई बदलाव ना होना इन दोनों ही रीजन में? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैलिड पॉइंट पंकज झा ने रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखिए हर चीज को डिजाइन करके जब आप प्राइम मिनिस्टर को आगे ला रहे हैं और इतने भव्य आयोजन कर रहे हैं, आप अपनी कोर पर जो आपका ब्रांड ऑफ हिंदुत्व है उस पर आप वापस जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको कोई ड्रामेटिक गेन नहीं हो रहा है, बहुत वैलिड पॉइंट पंकज झा ने रखा है, तो फिर आप थोड़ा सा चिंता करिए। देखिए एक बेसिक बात समझकर चलिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि 14, 17, 19 इन 3 इलेक्शन में बीजेपी ऑलरेडी इतना अच्छा कर चुकी है कि अगर जो भी आंकड़े और प्रतिशत आ जाते हैं उस पोजीशन से अगर बीजेपी नीचे आ रही है तो जैसे पंकज झा ने कहा बीजेपी खतरे की घंटी है रीजन में, क्योंकि अपनी जमीन बचाना और वहां पर आगे बढ़ना यानी कि इन आंकड़ों में बदलाव लाना बीजेपी के लिए जरूरी है अगर दोबारा सत्ता के सपने देखने हैं तो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।